Hello there, and again a very big and a warm welcome to all of you, my dear lovely friends. आज के इस वीडियो में हम फिर से रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल को फॉलो करते हुए कुछ ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग प्लांटर्स बनाएंगे. ये लिटरली ज़ीरो कॉस्ट होंगे एंड दिस विल बी सुपर फन एंड सुपर क्यूट. सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इट मैटर्स अ लॉट. सो लेट्स बिगिन विथ, लेट्स DIY विथ केतकी. सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं ये फर्स्ट DIY के साथ. यहाँ पे मैंने टेराकोटा पॉट लिया है जो कि मैं रीयूज़ कर रही हूँ. ये लास्ट दशहरे को मैंने यूज़ किया था पूजा में. इसे मैंने नेल के साथ एक होल बना दिया है एंड अभी मैं सेलो टेप की हेल्प से इसे मार्क कर रही हूँ. आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हो. तो मेरी आइडिया है कि मैं इसमें वार्ली पेंटिंग करने वाली हूँ, द वेरी ईजी एंड द सिंपलेस्ट वन. सो मैंने यहाँ पे सेलो टेप से मार्क कर दिया है, एक बॉर्डर बना दी है एंड इसके बीच में मैं वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम यूजिंग हियर दी स्पॉन्ज. तो स्पॉन्ज से क्या होता है, एक काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है एंड ब्रश के स्ट्रोक्स भी नहीं दिखते. तो मैं आगे बताऊँगी आपको ब्रश के स्ट्रोक्स कैसे थोड़ा फ्लॉ बताते हैं. बट ओके, तो देखिए ये कितना सेटिस्फाइंग है. हमारी बॉर्डर लाइन काफ़ी अच्छे से है, नीटली आई है. तो इसके साथ अभी मैं कुछ फ्री हैंड ड्राइंग करूँगी. तो मैं यहाँ सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ जो कि एक बॉर्डर क्रिएट करेगा. उसके साथ मैं यहाँ पे कुछ सिंपल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ एंड वी आर यूजिंग हियर दी वाइट एक्रेलिक कलर, सिंपल एंड बेसिक, नथिंग मोर. सो देखिए यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर क्रिएट किया है वो हम बॉटम लाइन में भी क्रिएट करेंगे एंड साथ ही में मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मोटिव्स ड्रॉ कर रही हूँ, सिंपल मोटिव्स यहाँ पे पेंट करूँगी. आप जिस भी तरह चाहे यहाँ पे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो. आप चाहे तो पहले पेंसिल के साथ इसे रफली स्केच बना दीजिए, जो मैं हमेशा सबको रेफ़र करती हूँ, या फिर आप डायरेक्टली भी इसे पेंट करना शुरू कर सकते हो. तो देखिए ये एक बहुत ही क्यूट मंडला टाइप डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पे पॉट के बॉटम में. तो हम इसे हैंग करने वाले हैं तो ये ज़रूर दिखेगा. सी हाउ क्यूट इट्स लुकिंग. एंड इसके बाद अभी आता है ये फन पार्ट जो है वार्ली पेंटिंग बनाना. मेरे पॉट पेंटिंग वीडियो में मैंने बताया है बहुत डीपली कि आप वार्ली पेंटिंग कैसे कर सकते हो. फिर से यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज़ अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स एंड यहाँ पर मैं ये वार्ली ट्राइबल लेडीज़ को ड्रॉ कर रही हूँ जो कि डांस कर रही है एंड ये पैटर्न मैं कंटिन्यू करूँगी ऑल ओवर दिस वाइट बैकग्राउंड. एंड आपको पता है मैंने फिर से मेरी बेटी मृदुला की हेल्प ली है. येस, एज आई ऑलवेज से, इन्वॉल्व योर किड्स इन दिस. इनके लिए ये काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है इसमें एंड वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबली भी बिहेव करते हैं इसमें. सो सी शी इज़ ऑल्सो ड्राॅइंग इट. शी एक्चुअली फिल्ड द ड्राॅइंग द ब्लैक कलर एंड उसके बाद उसने भी ऐसे ब्यूटिफुल हैंड्स ड्रॉ किए हैं एंड येस, सो इट वॉज़ अ फन फॉर बोथ ऑफ अस. सो इस तरह हमारा वार्ली पेंटिंग का जो हैंगिंग प्लांटर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है. सो ज़रूर एक लाइक और एक कॉमेंट इसके लिए कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को. सो चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY में. तो ये फिर से एक प्लास्टिक बॉटल से हम बनाने वाले हैं एंड इसे मैं एक बेस तैयार करूँगी वाइट जेसो लगा के. तो आप इसके लिए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो या फिर बेसिक वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत ही सिंपल है. आप आपके बच्चों के साथ बनाइए एंड वेरी क्विक DIY. यहाँ मैंने फ्री हैंड डेजी फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं. आप जो चाहे वो आप ड्रॉ कर सकते हो. आप कुछ थॉट्स लिख सकते हो इस पर, कुछ वार्ली या ट्रेडिशनल आर्ट्स आप कर सकते हो, मधुबनी पिछवाई आर्ट, वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी. एंड फिर मैंने यहाँ कुछ बम्बल बीज भी ड्रॉ किए हैं. तो इट इज़ अप टू यू. एंड इसके बाद अच्छे से पेंट करने के बाद, ये सब कलर ड्राई हो जाने के बाद, आप इसे अच्छे से एक वार्निश का कोट कर दीजिए. सो ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेगा सन रेज से एंड ये आप बाहर भी एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हो. तो इसे मैंने इसके पीछे साइड एक सिर्फ होल ड्रिल कर दिया था. तो मैं इसे इस तरह वॉल हैंगिंग प्लांटर्स के ये यूज़ कर रही हूँ. देखिए कितना क्यूट, सिंपलेस्ट, इजी एंड लिटरली ज़ीरो कॉस्ट है. एंड आप चाहे तो इसे आपके टेबल टॉप पे भी रख सकते हो. एंड मैंने इसकी डिज़ाइन
पूरी टॉल यूज़ करके इसे एक वर्टिकल प्लांटर का भी लुक दिया है। सो आई होप ये वाला आपको पसंद आया हो, द ईजिएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वन। लेट्स जंप टू आवर थर्ड DIY। नाउ दिस DIY इज़ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड। सो यहाँ पे मैंने ये एक फूड कंटेनर यूज़ किया है, जिसे मैं यहाँ पे 3 होल्स बना दूंगी एंड इसका जो रिम है, जो फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं आ रहा है, उसे कट कर दूंगी। तो ये एक टॉल प्लांटर होने वाला है, अगेन हैंगिंग प्लांटर। और इसके यूज़ करने के लिए मैंने लिया है ये वॉल पुट्टी। सो वॉल पुट्टी को मैं सिंपल पानी के साथ मिला के, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इसका आटा गूंदना है। तो इसका एक अलग DIY मैंने बनाया था, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। सो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप चेक कीजिए। सो देखिए, ये एक वॉल पुट्टी का आटा तैयार हो गया है। और जैसे हम बाजरे की, ज्वार की रोटी बनाते हैं हाथ से, उसी तरह हम हाथ से इसे स्प्रेड करेंगे। तो जैसे ये स्प्रेड हो जाता है, मैंने कंटेनर पे थोड़ा सा पानी लगाया एंड उसके ऊपर अभी मैं ये पेस्ट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी इजीली पेस्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ हाथ से इसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से दबाना है। एंड इसके बाद में ये जो खाली जगह बच गई थी, इसके ऊपर भी मैंने पैचवर्क कर दिया। सो एब्सोल्युटली नॉट टू वरी अबाउट दिस क्रीजेस एंड ये जो क्रैक्स दिखेंगे आपको, क्योंकि आप सिंपल पानी के साथ, आपके उंगलियों के साथ उसे रब करके आप इसे अच्छे से स्मूथ आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा स्मूथ फिनिश देता है। एंड ये बॉटम को मैंने होल करना भूल गई थी, तो फिर मैंने उसे भी होल करके उसके बाद में उसे कवर कर दिया। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया था रात को एंड ऑलमोस्ट दूसरे दिन दोपहर तक ये पूरी तरह सूख गया। एंड फिर से मैंने सैंड पेपर लेके इसे थोड़ा सा इवन आउट करने का ट्राई किया। सो आवर बेस प्लांटर इज़ रेडी। एंड इसके बाद मैंने पेंसिल से इसके ऊपर एक ड्राइंग बना दी है। सो दिस इज़ एज आई सेड इज़ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड। एंड ये काफ़ी ईजी है ये फेस प्लांटर। इसे मैं सिंपल एक्रिलिक, ब्लैक एक्रिलिक पेंट के साथ यहाँ पे ये पेंट कर रही हूँ। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो आप आपके बच्चों के साथ बनाइए, आप जितने भी प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ आप लेके आइए, वॉल पुट्टी के साथ इसे आप बना सकते हो। एंड ये देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग वॉल पुट्टी, डू चेक माई वीडियो, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से। एंड यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा एक ब्लश दे रही हूँ, यहाँ पे उसके चीक्स बना रही हूँ, अच्छे क्यूट से चीक्स। एंड यस, ये एक तुरंत ही ड्राई भी हो जाएगा। एंड एज द वॉल पुट्टी इज़ वाइट इन फैक्ट, सो हमें कुछ भी प्राइमर या जेसो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स, यानी कि सिंपल नाड़ा जो हमारे घर पर मिलता है। एंड उसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट करके यहाँ पर मैं नॉट्स टाई कर रही हूँ। तो ये तीनों नॉट्स टाई करने के बाद हमारा प्लांटर, जो कि एक हैंगिंग प्लांटर बन गया है, और ये काफ़ी क्यूट सा दिख रहा है, जस्ट लाइक अ स्टोर बॉट प्लांटर। उसी को प्रोसेस फॉलो करके मैंने ये और एक प्लांटर बनाया। एंड यहाँ पे मैंने एक्रिलिक पेंट्स के साथ लिख दिया हे ब्यूटीफुल एंड नियॉन कलर्स यूज़ करके इसे थोड़ा सा एक पेंटिंग कर दिया है। एंड ये मैंने बनाई है फ्रीडा कालो, जो कि एक मैक्सिकन आर्टिस्ट थी। एंड ये उनकी टिपिकल हेयर स्टाइल थी विद दोस थिक आईब्रोज। ये काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही है। तो मैंने यहाँ फॉक्स फ्लावर्स यूज़ किए हैं, यानी आर्टिफिशियल फ्लावर्स। एंड ये मेरा बहुत ही प्यारा सा प्लांटर तैयार हो गया है। तो आई थिंक ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके लिए भी एक लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बनता है। आप इसे बनाइए, काफ़ी क्यूट एंड लाइक स्टोर बॉट प्लांटर्स बन रहे हैं ये। सो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट DIY फॉर द डे के लिए। एंड इसे मैंने बनाया है अगेन ये प्लास्टिक बॉटल यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे 3 प्लास्टिक बॉटल्स ले रही हूँ एंड मैं उसे इस तरह से एक कट लगाऊंगी अंदर से, तो हम इसे एज अ प्लांटर बनाएंगे। एंड यहाँ पे कट करने के बाद एंड इसे पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे होल्स बना दिए हैं टॉप एंड बॉटम ऑन बोथ द साइड्स, जिसमें से हम इसे हैंग करेंगे। एंड अगर आप देखते हो तो ये बिल्कुल भी इवन कलरिंग नहीं हुआ है,
तो मैं आपको ये बता रही थी, जैसे स्पॉन्ज के साथ आप इसे पेंट करते हो तो इट गिव्स अ नाइस टेक्सचर, बट यहाँ पे मैंने इसे ब्रश के साथ पेंट किया था पर्टिकुलरली आपको दिखाने के लिए कि ये फिनिशिंग नहीं आता है अगर आप डायरेक्टली एक्रेलिक पेंट्स इसके ऊपर यूज़ करो विदाउट यूजिंग द प्राइमर और विदाउट यूजिंग जेसो। तो इसीलिए जेसो और प्राइमर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर अगर आप डायरेक्ट एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हो तो आप इसे पक्का स्पॉन्ज के साथ पेंट कीजिएगा। सो ये ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल वाइट एक्रेलिक पेंट के साथ मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ, एंड इन फ्लावर्स को मैं बाद में येलो सेंटर दे दूँगी, साथ में इसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसे आउटलाइन भी कर दूँगी। एंड यहाँ पे बीच में मैंने लिख दिया है ये वर्ड LOVE, लव, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, बच्चों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ। व्हाट वी नीड इज़ जस्ट लव यार, और कुछ नहीं चाहिए। इस टाइम पे तो पैसा भी काम नहीं आता है एज़ यू हैव सीन एंड एज़ यू ऑल नो जस्ट लुकिंग एट द सराउंडिंग्स। सो यहाँ पे ये ड्राई होने के बाद मैंने ड्रॉ स्ट्रिंग लिया है एंड मैं ये वुडन बीड्स यूज़ कर रही हूँ जिन्हें मैं ऐसा नीचे से इंसर्ट कर दूँगी। देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ, और फिर इसे फिक्स करके एक फिक्स हाइट पे मैं इसे फिर से नॉट्स टाई कर दूँगी ताकि मुझे इवन डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे मैं दूसरी बॉटल्स को भी हैंग कर सकूँ। तो आपने, काफ़ी लोगों ने ये प्लांटर बनाया भी होगा, जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए ये आइडिया हेल्प करेगा। दिस इज़ अगेन सिंपलेस्ट DIY, कुछ भी नहीं किया है हमने, जो वेस्ट बॉटल थी उसे हमने यूज़ किया है। एंड अगर आप देखो तो मेरे पास ये कहाँ से आती है इतने वेस्ट बॉटल्स, तो ये मैं मेरी फ्रेंड से, मेरी नेबर से, किसी से भी मैं ले लेती हूँ। इनफैक्ट रस्ते पे भी मुझे ये बॉटल्स दिखती है अच्छी कंडीशन में, मैं लेके आती हूँ और उनको धो के अच्छे से साफ़ करके उन्हें यूज़ करती हूँ। तो देखिए वन साइड हमने ये इस तरह बना दिया है, सेम साइड हम दूसरी तरह भी बना देंगे एंड ये हमारा वॉल हैंगिंग प्लांटर बन जाएगा। नाउ दिस इज़ अनादर फन पार्ट, जहाँ पे हमारे ये हैंडमेड प्लास्टिक पॉट प्लांटर्स को हम रीयूज़ करेंगे एंड यहाँ पे जो प्लांट कटिंग्स होते हैं उन्हें मैं यहाँ पे प्रोपोगेट कर रही हूँ ताकि और अच्छे अच्छे न्यू प्लांट्स आए जिसे मैं रीयूज़ करूँ और गिफ्ट भी कर सकूँ। तो देखते ही देखते हमारे सारे वॉल हैंगिंग प्लांटर्स बन गए हैं आज, एंड आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग दिख रहा है ये, आप प्लीज़ इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कैसे ट्राई किया है। डू लेट मी नो विथ योर क्वेरीज एंड सजेशंस एंड कमेंट्स। सो अंटिल वी ऑल मीट नेक्स्ट टाइम, आप मेरे सारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट मीन्स अ हार्ट फॉर मी। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।